छतरपुर जिले में एक और जन औषधि केंद्र खुल गया है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से किया। छतरपुर जिला अस्पताल परिसर के पुराने इमरजेंसी वार्ड में जन औषधि केंद्र खोला गया है। इस दौरान छतरपुर विधायक ललिता यादव और कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया, साथ ही औषधि केंद्र का निरीक्षण भी किया। अब मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। बता दें, इस औषधि केंद्र में करीब 200 तरह की दवाइयां उपलब्ध होंगी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। के दिन जिला छतरपुर के जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि छतरपुर के विभिन्न दूर दराज के इलाकों से और आसपास के जिलों से भी अधिकांश मरीज जिला छतरपुर के जिला अस्पताल में ही आते हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जन औषधि केंद्र बहुत ही रियायती दरों पर, लगभग 10% दरों पर जो मार्केट रेट है, उससे 10 से 25% तक की दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध हो पाएंगी। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि इसको अच्छे से संचालित करें, और जो हमारी रेडक्रॉस सोसाइटी के जो हमारे मेंबर्स हैं जो इसका संचालन करेंगे, उन लोग को भी इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करने का हम निर्देश देते हैं। और उसके अलावा मध्य प्रदेश शासन की ओर से, भारत शासन की ओर से बहुत अच्छी पहल है। सर, पहले जो निःशुल्क दवाइयाँ अंदर मिलती थी वो मिलना जारी रहेंगी या बंद हो जाएंगी? वो सभी जो पूर्व की व्यवस्था है वो वैसी की वैसी रहेंगी। ये जन औषधि केंद्र अलग से संचालित किया गया है कि किसी और को कोई रियायती जरूर कर। इसकी सर समय क्या रहेगा खुलने का? समय इसका 24/7 है, 24 घंटे इसकी खुली रहेगी और उसके कर्मचारी भी रहेगा। निःशुल्क मतलब जो हमारा रेट्स हैं उस रेट्स रियायती दरों पर मिली जाएगी, और जो हमारा शुल्क है वो ऑनलाइन QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं और कैश में भी लोग पैसे जमा कर सकते हैं। केंद्र का शुभारंभ अस्पताल के प्रांगण में हुआ। हमें माननीय राज्यपाल महोदय जी हमारे देश पधारने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इसका शुभारंभ हुआ है, और ताकि अस्पताल में मरीज आते यहीं के यहीं उनको रीजनल रेट पर दवाइयाँ मिलेंगी। जो दवाई मार्केट में 100 रुपये की आती, यहाँ 25 रुपये की आएंगी। यहाँ छतरपुर के और अन्य जिलों के मरीज आते उनको सहूलियत होगी, सुविधा होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आज जन्मदिन पर जो शुभारंभ हुआ है उसके लिए बहुत बधाई शुक्रिया।